हाय सर्दी, लहू जमा देने वाली सर्दी बदस्तूर, शुमाल से आती बर्फीली यकबस्ता हवाओं से लाहौरिये ठठर गए। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की नए साल के आगाज पर हल्की बारिश की पेशगोई। धुंध का सिलसिला जनवरी में भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में धूप के बादल, एयरपोर्ट के अतराफ हद निगाह 400 मीटर, आने और जाने वाली 15 परवाज़ें मुतासर, 5 मनसूख और 10 ताखीर का शिकार। कराची और क्वेटा से आने वाली 13 से 2.5 ट्रेन्स भी ताखीर का शिकार। कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस 5 के बजाय 7 बजे, शाह हुसैन एक्सप्रेस 7 के बजाय रात 9 बजे रवाना होगी। रेलवे हुकाम की धुंध के बायस ट्रेन की रफ्तार कम रखने की हिदायत। दो का आखिरी सूरज भी हो शुबा महंगाई लिए तो लो हो गया। सरकारी निर्खनामा बदस्तूर नजरअंदाज, प्राइस कमेटियां गायब। गैस शॉर्टेज और लो प्रेशर के सबब शहरी 129 रुपए किलो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस 170 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हो गए। सब्जी मार्केटों पर गिरा फरोशों का राज। टमाटर 150 रुपए किलो पर फरोख होने लगा। मटर 20 रुपए इजाफे से 160 रुपए हो गए। ब्रॉयलर चिकन भी 9 रुपए महंगा, कीमत 215 रुपए हो गई। बिजली बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों की इजाफी वसूली भी बदस्तूर। नए साल पर नए साल की खुशियां मांग पड़ने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए इजाज। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर इजाफे की तशीस। हाई स्पीड डीजल 2.25 रुपए, मट्टी का तेल 3.10 रुपए और लाइट डीजल ऑयल 2.08 रुपए महंगा करने के लिए ओगरा की सिफारिश। गोल्ड सिर्फ दूर से देखें, गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी 24 के रात तोला सोने की कीमत 400 रुपए बढ़ गई। कीमत 88,400 रुपए तक जा पहुंची, जबकि 22 के रात सोना 81,033 का हो गया। सुल्तान और बिराम ज्वेलरी स्टोर बहाल करने के लिए 6 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटे, घी, चीनी, दालों और चावल पर सब्सिडी को हफ्ते शक्ल देने पर काम शुरू। पैकेज का इतलाक इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए होगा। वज़ीर आज़म नए साल में 7 जनवरी को सस्ती अशिया की फरामी के रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह करेंगे। जायद लोड के खिलाफ भारी जुर्माने और जालिमाना टोल टैक्स नामंजूर। पाकिस्तान पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 2 जनवरी से तमाम पब्लिक और लोडिंग गाड़ियां सड़कों पर न लाने का फैसला। 12 मुख्तलिफ मकामात से रैलियों का भी ऐलान। हजारों ट्रांसपोर्टर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। रहनुमाओं का हुकूमत पर टोल प्लाजे अपनों अपनों को नवाजने के लिए बनाने का इल्जाम। मनचले और आफत के बुरकाली न्यू ईयर नाइट पर मोहतात रहे। वज़ीर-ए-आला ने जिले इंतजामिया को वन व्हीलर सुलड़बाजों और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। नए साल के आगाज पर महकमा दाखिला की गाइडलाइंस भी जारी। असलहा की नुमाइश पर पाबंदी, गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी सख्त होगी। में बल्दियाती नुमाइंदों की आरजू और उम्मीदों के खून का साल। नए बल्दियाती कानून के नाम पर बल्दियाती दायरे खत्म करके मुंतखब होने वालों को घर भेज दिया गया। इधारों की तहरील से म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के लिए मुख्तस 1 अरब 94 करोड़ में से 1 पाई भी खर्च नहीं की गई। 2 अरब 70 लाख के तरक्याती फंड में से सिर्फ चंद करोड़ ही खर्च किए जा सके। कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो सका, ना ही पहले से जारी मंसूबे तकमील को पहुंचे। वॉक एंड शॉप अरीना, 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1 मोरिया पुल और इस लाइन पैकेज 2 का सिविल वर्क्स ताहाल नामुकम्मल। इदारा तरक्यात लाहौर ऐलान के बावजूद शाहकाम चौक फ्लाईओवर का काम भी शुरू ना कर सका। साल 2019 से पुलिस अफसरान की नाकिस कारकर्दगी का साल। नाकिस तफ्तीश पर 1000 अफसरान के खिलाफ शिकायती लेटर। CCPO ने 600 अफसरान को तंबीह जारी की। साल भर में 4710 चालान। सेशन अदालतों में और मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजाम इंसाफ बदस्तूर सुसरने का शिकार। 2 लाख मुकदमा ताहाल जेर इल्तवा। शहर के सफाई निजाम की मुकम्मल बहाली के लिए वज़ीर आला इन एक्शन। आला सतह इजलास की सदारत में साफ सुथरे माहौल की फराहमी हुकूमती जिम्मेदारी करार।
सफाई के इंतजाम और मुस्तकबिल के मजावजा निजाम का जायजा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार ने इजलास में हुकाम को क्लीन लाहौर से मुतलिक खुसूसी हिदायत भी दी। पाँच सौ एम्बुलेंसेज को ऑपरेशन करने के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर। एम्बुलेंसेज को चलाने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की। साल का आखिरी रोज ड्राइविंग टिकट्स का भी इख्तिताम। एसपी ट्रैफिक पुलिस का कल से ड्राइविंग टिकट्स के कारामद न रहने का ऐलान। एसपी हमाद रजा कहते हैं ड्राइवर के पास लाइसेंस का होना खुद एतमाद ड्राइविंग की जमानत है। शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने से इज्तनाब करें। नए साल की आमद मालिक असद खोकर के लिए खुशियों का पैगाम। जंगलात और बल्दियात की अहम वजारत 6 माह से वजीर बे महकमा के हवाले। मालिक असद खोकर वाइल्ड लाइफ की वजारत के मामला भी देखेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इनकम टैक्स कोशवारी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। रीजनल टैक्स ऑफिस 7:10 बजे तक खुले रखने का ऐलान। साल गुजश्ता के मुकाबले में अब तक RTO2 में 10,000 गोशवारे कम जमा होने का इंकशाफ। महकमा लेबर 2019 में किए वादों के बोझ तले दब गया। लेबर कॉलोनियों पर से कब्जा ग्रुपों की बेदखली हुई, ना ही मालिकानी हकूक पर फ्लैट्स की बहाली। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में बच्चों के दाखिले पूरे हुए, ना रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए इंसाफ कार्ड का वादा वफा। फैक्ट्री मजदूरों के लिए कम अज कम 17,500 तनख्वाह कानून की अमल दरामद ना किया जा सका। हाईकोर्ट जैसी तारीख सास इदारे की सरबराही बाइस फख्र और कदर है। अदलिया बतौर इदारा शहरियों के हकूक की जामिन है। हल्फ उठाते ही ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए इकदाम किए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का रिटायरमेंट पर अपने एहसास पे फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख समरदोश होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद शमीम खान को खराज तहसीन पेश। साथ ही जजेस ने गुलदस्तों और नेक ख्वाहिशात के साथ रुख्सत किया। नए साल से हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट। जस्टिस मामून रशीद शेख चीफ जस्टिस, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी सीनियरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पर। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 5वें, जस्टिस सुजात अली खान 6ठे, जस्टिस आयशा मलिक 7वें नंबर पर आ गए। गोगी भट्ट ने लाहौर के टॉप 10 बदमाशों की फहरिस्त चैलेंज कर दी। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पे फहरिस्त मुअत्तल करने की इस्तदआ। अदालत ने डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी करके 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। अदालती हुकुम पर अमल दरामद न करने की दरख्वास्त पर समाप्त। हाईकोर्ट ने जौहड़ पर कब्जे से स्कूल में सेवरेज पानी जमा हो जाने पर डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर से जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट में इंदौर 36,000 वकला के लिए बायोमेट्रिक वोट रजिस्टर करवाने का आज आखिरी रोज। वोट रजिस्टर न करवाने वाले वकला 29 फरवरी को हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। एडिशनल आईजी अबू बकर खुदाबख्श के बगैर नोटिफिकेशन चार्ज छोड़ने पर महकमा SNGAD का नोटिस। आईजी ऑफिस को रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल दरामद के लिए खत लिख दिया। पुलिस अफसरान को पंजाब हुकूमत के कवायद जवाबित मद्देनजर रखने की हिदायत। पंजाब पुलिस में तकरर तबादले। ADG IG सिक्योरिटी का इजाफी चार्ज भी DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद के हवाले। वसीम अहमद सयाल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान और इमरान महमूद DIG ऑपरेशन पंजाब का इजाफी चार्ज संभालेंगे। अवाम की मुहाफिज पंजाब पुलिस का अनोखा इकदाम। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की सिक्योरिटी, रिटायर्ड फौजी अहलकारों के सपोर्ट। फौरी तौर पर 33 रिटायर्ड अफसरान भर्ती करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच में टेक्निकल कैडर की 277 पोस्टों पर भी स्टाफ की भर्ती मंजूरी। आज मेरी और आपकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान। आज जो कुछ भारत में हो रहा है दो कौमी नसीहत की अहमियत खुलकर सामने आ गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले कॉन्वोकेशन में शिरकत पर खुशी का इजहार। तलबा को मुफीद मशवरे भी दिए गए।
बात से मुकरना कहां की लीडरशिप, रहनुमा और नगेबान तो वो है जो कहे उस पर डर जाए। ख्वाजा इमरान नजीर का मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के यौम तासीस की तकरीब से खिताब, बोले एक ऐसी हुक्मरानी है, हुक्मरान कहते हैं कि रोटी नहीं तो लंगर खा ले, छत नहीं तो पनागा आ जाए, आम आदमी के लिए बिजली गैस का बिल मुश्किल हो गया है। कैंप क्लीन कॉटन टेक्नोलॉजी के लिए अफ्रीकी ममालिक के साथ माहिदा, टेक्नोलॉजी 12 अफ्रीकी ममालिक में फरोख की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का अफ्रीकी कंपनी से माहिदे की तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद समेत दीगर की शिरकत। अमेरिका नाइकी कंपनी ऑक्सटेक के नुमाइंदों की लाहौर चैंबर के अहदेदारों से मुलाकात, कारोबार जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर कारोबार में आसानी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और डाटा महफूज करने से मुतालिक उमूर और अहमियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के जरिए तमाम 7 रोजा पंजाब लोक मेले का आज दूसरा रोज, पहले रोज वजीर आला सरदार उस्मान बरसाल, वजीर इत्तला फयाज़ुल हसन चौहान की शिरकत, शेर मियां दा की शानदार परफॉर्मेंस ने समा पा दिया।